हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो लाइफ के हर एक मोड़ पे आपको फ्रेंड्स मिलते हैं. फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप भी निभाइए उसको. हो सकता है बीच में थोड़ा सा कांटेक्ट कम होता है लोगों से, लेकिन वो मेंटेन रखिए लाइफ लॉन्ग, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और पुराने दोस्तों को फ़ोन लगाया जाए या मैसेज किया जाए. एक्चुअली 2007 तक तो लाइफ एकदम ठंडी थी, फिर अचानक एक दिन लगा कि डांस क्लास ज्वाइन करना चाहिए. तो कल्याण में मैंने फ्यूज डांस क्लास करके है वहाँ गया और एनरोल कर लिया. तो थोड़े दिन बाद ही इतना मज़ा आने लगा वहाँ पे, फ्री बॉलीवुड डांस हमने सीखा, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था. मतलब वीकेंड्स में जाते थे हम सैटरडे संडे को, तो जॉब के साथ साथ उस वक्त मैं इवनिंग में ये भी करता था. मेरा सबसे पहला गाना था अनजाना ला 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 अनजानी. एक्चुअली मुझे मेन जो अच्छा लगता था कि डांस के बाद भी हमारी जो बॉन्डिंग बनी, और हर एक त्यौहार, हर एक फेस्टिवल हम लोग एंजॉय करते थे. मतलब किसी घर पे से कुछ मोमेंट्स है, जब प्रांजल के घर पे गणपति का डेकोरेशन हो रहा था, तो उस वक्त हम लोग रात को 12 बजे वहाँ पे डेकोरेट कर रहे थे. तो इट वॉज अ नाइस मोमेंट. फिर कुछ विसर्जन के मोमेंट्स है यहाँ पे. नितेश इज अ वेरी गुड डांसर. मतलब मैं तो थोड़ा शाय था उस वक्त भी, तो प्रांजल से जब मैं मिला तो मुझे लगा क्या बात है, क्या जिंदा दिल लड़की है एकदम. फिर हमारी फ्रेंडशिप बनी है, फिर और लोग भी इंट्रोड्यूस हुए, हम एक ग्रुप बन गया हमारा. तो उसे फाइनली नाम पड़ा बिंदास ग्रुप. ये कुछ होली के मोमेंट्स जो हमने एंजॉय किए थे उस वक्त. सबसे बढ़िया कंसेप्ट जो हमारी एक फ्रेंड डॉक्टर अनीता है, उन्होंने बताया था कि डब्बा पार्टी करना चाहिए एक सबको मिलके. तो हम सब लोग ने अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के एक कॉमन प्लेस पे मिले थे हम, जो कि मैंने उसे अपना घर डिसाइड किया कि हम अपने घर, मेरे घर पे करता हूँ. तो सब लोग कोई मीठा, कोई इडली सांभर, प्रीति इडली सांभर लेके आई थी. अनिशा ने तो कुछ और स्वीट डिश बनाई थी मेरे घर पे आके. तो इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. एक्चुअली पीयूष सर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कल्याण के अत्रे ऑडिटोरियम में, वहाँ पे हमें भी मौका दिया कि इवनिंग क्लास के लोगों को भी एक डांस परफॉर्मेंस. तो इतना मजा है वो डांस परफॉर्म करने के वक्त. इट वॉज अमेजिंग. मतलब जो झंकार, हंस हंस के पेट दुख जाता था हमारा, जो हम लोग मतलब जिस हिसाब से हमने डांस किया था. ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको याद आती हैं, तो उसको एक बार दोहरा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है.